कौशिक पांच ओवर में 35 रन, स्ट्राइक में प्रिंस मैक्सवेल। चलिए पहला गेंद स्ट्राइक में प्रिंस, गेंदबाजी में कौशिक। बड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला, आपके दिल के धड़कन को तेज करेगा यह मुकाबला। चलिए पहला गेंद, डॉट गेंद, कौशिक बड़े मंच का बड़ा सरपंच, दिग्गज ये गेंदबाज डॉट गेंद के साथ शुरुआत किए हैं अपने कोटा का पहला ओवर। भैया इस बार चौका आएगा और मनप्पुरम गोल्ड लोन में। थैंक यू। एक बार पिछला गेंद पर फुल टॉस था, पूरी तरह से दोनों हाथ में फायदा उठाया था, लेकिन इस बार वापसी की है कौशिक अच्छा गेंद के साथ। भैया इस बार चौका आएगा और मनप्पुरम गोल्ड लोन में अक्षय कुमार जैसे बोलते हैं कि पैसा ही पैसा आएगा, तो इस बार प्रिंस मैक्सवेल के लिए चौका ही चौका आएगा। चार रन, एक हाथ से ट्रेडमार्क शॉट था मैक्सवेल का, लेकिन इस बार उच्च कोटि का फील्डिंग वहां पर। स्ट्राइक में प्रिंस मैक्सवेल पहला चौका लगा चुके हैं और अपने ट्रेडमार्क शॉट भी दिखा चुके हैं आज। फिर एक बार रिवर्स टेलने का प्रयास, लेकिन रन नहीं आएगा, कौशिक खुश होंगे। ये क्या था भैया, मैं इसीलिए कहता हूँ प्लेट में रोसो गल्ला होगा तो रोसो गल्ला को ही खाइए, मिष्टी दोई पे ध्यान मत दीजिए, मिष्टी दोई पे ध्यान दिया तो चौका गवाया। तो चलिए एक ओवर की समाप्ति और समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड में 12 रन। तो डीजे वाले बाबू और कन्याएं आप भी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा कमर को हिलाइए। चलिए डीजे चलिए स्ट्राइक में यहां पर मुर्शिदाबाद का ये खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर द नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद जसीम रहमान। फुल टॉस गेंद और भैया ये क्या कर रहे हैं, ये खिलाड़ी मस्त मौला है, ये खिलाड़ी हरपन मौला है। मिला चौका, अरे जसीम साहब जब जब तूने किया है अपने काबिलियत पे विश्वास, हर बार तूने रचा है नया इतिहास। दो गेंद पर दो चौका जसीम, दो चौका से पेट नहीं भरता है, मुर्शिदाबाद का नवाब है तो तीसरा चौका भी लगाएंगे। तीन गेंद पर तीन चौका जसीम दमदार रहमान। फिर एक बार भैया ये तो चौका नहीं, गेंदबाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कप्तान साहब का धागा खोल रहे हैं। चार गेंद पर चार चौका, चार गेंद पर चार चौका जसीम। चार में चार नहीं, पांच में पांच करिए और मुर्शिदाबाद में जाकर मिठाई बंटवाइए, क्योंकि पांच गेंद पर पांच चौका जसीम रहमान। पांच गेंद पर पांच चौका, चलिए इस बार वाइड है, मैक्सवेल को रुकना पड़ेगा, रुको जरा सबर करो, जसीम को बल्लेबाजी करने दो, जसीम को बल्लेबाजी करने दो। और इसी के साथ इस मुकाबला को जीतकर सरासर सेकेंड राउंड में क्वालिफाई करेंगे और जसीम रहमान एक बार बात जरूर करेंगे उनसे।